पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अपस्टेज आर्ट ग्रुप के कलाकारों द्वारा सफदर हाशमी मार्ग स्थित श्रीराम सेंटर के सभागार में राजा अशोक के जीवन पर आधारित नाटक सम्राट अशोक का मंचन निर्देशक रोहित त्रिपाठी के निर्देशन में किया गया। डीपी सिन्हा द्वारा लिखित इस नाटक के मंचन को म्यूजिक से सजाया अजय कुमार ने और चंद्रकांता द्वारा तैयार की गई वेशभूषा भी प्रशंसा के योग्य थी। 16 सितंबर को सम्राट अशोक के दो शो श्रीराम सेंटर में किए गए और इस नाटक की एक विशेषता यह भी रही कि 2 घंटे अवधि होने के बावजूद दर्शकों ने इसे आखिर तक एंजॉय किया। सभागार खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों ने प्रत्येक सीन पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। यूं तो सभी कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया, लेकिन सम्राट अशोक की मुख्य भूमिका निभा रहे दिशांत मल्होत्रा और महामंत्री की भूमिका निभा रहे शिवम पाठक को उनके दमदार अभिनय के लिए दर्शकों की ओर से विशेष वाहवाही मिली तथा विशिष्ट अतिथियों ने भी दिशांत व शिवम की प्रशंसा की। संदेश यही देना चाहूँगा कि सम्राट अशोक ने जो हम हिंसा 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 उसने भी बहुत हिंसा किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको आना पड़ा अहिंसा की तरफ। तो आदमी चाहे उसने अपनी हिंसा की पराकाष्ठा आज सम्राट अशोक के माध्यम से ये जो पूरे विश्व में आतंक कर जो लोग प्राय बनाए हुए हैं ये दर्शाता है कि जो उस आतंक का भी जो है उन्मूलन समापन सिर्फ अहिंसा ही कर सकती है। अहिंसा में वो ताकत है जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकती है। वो भी एक कारण था इस नाटक को करने का। सर, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको इस नाटक के? इस नाटक के उसमें परेशानियाँ कुछ कार्यशाला प्रस्तुति थी, इसमें बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल कोई नहीं थे, कार्यशाला के बच्चे थे, नए स्टूडेंट थे, तो ये स्वाभाविक है प्रोफेशनल बच्चों के साथ काम करना और कार्यशाला के बच्चों के साथ काम करना ये स्वाभाविक है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। डायरेक्टर को मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो उनको नए बच्चों को सिखाने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं कर रहा था जी। नाम मेरा दिशांत मल्होत्रा, डायरेक्टर हमारे बहुत स्मूथ थे तो हम लोग को ज़्यादा कैरेक्टर में आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वरना बहुत हैवी कैरेक्टर है, शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, क्या तैयारियाँ की गई और क्या फिर क्या आपने अपना माइंडसेट बनाया? तैयारी आपने जितने डायलॉग्स देखे हैं पर लाइन की तैयारी हुई है, एक एक लाइन पर तैयार हुआ है, एक एक वर्ड पर एक्टिंग तैयार हुई है, एक एक एक्शन एक एक क्राफ्ट एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग तैयार हुआ है। मेरा नाम सरिता चतुर्वेदी है और मेरे कैरेक्टर का नाम है तिश्य रक्षिता। ये सर के साथ मेरा पहला शो था और बहुत अच्छा रहा। शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं इस शो के साथ कुछ दिन बाद जुड़ी हूँ। ये एक्चुअली शुरू से मतलब काफ़ी पहले से इसकी रिहर्सल्स वगैरह हो रही थी और मैं थोड़ा दिन बाद जुड़ी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई इस कैरेक्टर को अडेप्ट करने में। और बाकी टीम के साथ बहुत अच्छा रहा, कभी कभी नोकझोंक भी हुई, फिर जब ट्यूनिंग बैठी तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई और काम करने में बहुत मज़ा आया। मेरा रियल नेम है चार्वी गोस्वामी और मेरे कैरेक्टर का नाम है देवी। ये देवी कैरेक्टर जो है आपने देखा होगा अशोक की वाइफ का था। मेरा मतलब सर के साथ ये 3rd शो है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा सर के साथ। बाकी हम लोगों ने कॉस्ट्यूम में आज पहले एक बार रिहर्सल की थी, लेकिन अब मतलब बिल्कुल मेकअप वेकअप के साथ बिल्कुल ही चेंज था, लेकिन फिर भी टीम के साथ कॉपरेट करके, मैम और सर के साथ कॉपरेट करके हमारा प्ले बहुत अच्छा गया है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे मतलब बाकियों का व्यू देख के भी अच्छा लगा है कि अच्छा लगा सबको। मेरा नाम शिवम AK पाठक है। मुश्किलें आती हैं पर मुश्किलें नहीं बतानी चाहिए, मज़ा आया, मज़ा फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ और बढ़िया था, बढ़िया एकदम अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हल्की हल्की फुल्की जो है मुश्किलें चलती रहती हैं, ऐसा कोई खास कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और मैंने सम्राट अशोक जो हमारा नाटक है उसमें भिक्कू समुद्र का किरदार निभाया है। राइटर की लेखनी तो आपने देखी है और बेहद खूबसूरत लिखा है और इसमें लिखना भी क्या, अशोक का जीवन है कि उन्होंने क्या क्या किया और उसके बाद में डायरेक्टर का अपना एक श्रेय होता है, डायरेक्टर ना हो तो एक्टर मंच पर कैसे आए, तो डायरेक्टर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और जो हमारा प्रोसेस है एज एन एक्टर
कई सालों से करते आ रहे, उसी के प्रोसेस के अंतर्गत हमने ये कार्य किया और आज आपके सामने है। एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा और एक पौराणिक नाटक है ये, लेकिन वर्तमान तथ्यों को आज भी दर्शाता है। तो दोनों अनुभूतियों को साथ लेकर चलना और नई नई चीज़ें हमने इस नाटक में सीखी कि हमारी संस्कृति और किस तरह से हमें काम करना चाहिए और थिएटर के अंदर भी किस तरह से भारतीय इतिहास को आज भी जीवित रखा जाता है। मेरा नाम अविनाश तिवारी शांडिल है और मैंने जो सम्राट अशोक में भूमिका करी है वो भिक्खु सागर में देखी है। अगर आप मेरे करेक्टर के बारे में जानेंगे तो नाटक में ये है कि ये भिक्खु है नहीं, ये कोशिश करता है भिक्खु बनने की, तो इसका कुछ छिछोरा टाइप का ये बंदा है। सो जो हमारे निर्देशक हैं वो मेरे गुरु हैं श्री रोहित त्रिपाठी जी, उन्होंने जो नाटक शुरू होने से पहले जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई, करेक्टर में कैसे जाना है कैसे करना है, क्योंकि चूँकि इस नाटक को खुद भी कर चुके हैं, एक्ट भी किया, और जो करेक्टर मैंने किया वो स्वयं उन्होंने किया था, तो उनका मेरे पर हाथ रहा, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, तो उस भूमिका को करने में अच्छा लगा, मज़ा आया और आगे भी करते रहेंगे। बींग एन एक्टर जो प्रोसेस है वो मेरा खुद का है, अच्छा है, मज़ा आया। अस्मी तुलसियान मेरा नाम है और मैंने नंदिता का रोल किया था, बहुत मज़ा आया, काफ़ी एनर्जी का, एक नंदिता काफ़ी बबली सी लड़की है तो एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होना था उसका, तो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ की थोड़ा सा कंफर्ट जोन को अपना ब्रेक करके करना, तो बहुत मज़ा आया। देखिए यहाँ पर जो थे जैसे कि सर ने हमें, डायरेक्टर सर ने बताया कि कुछ एक्सपीरियंस लोग भी थे, तो उस एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल। एग्जैक्टली दैट, नहीं नहीं, इट वाज नॉट मुश्किल एट ऑल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीम वर्क था, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आई एम वर्किंग इन अ न्यू स्पेस एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरा नाम है लोकेश तनेजा और मैंने दो कैरेक्टर्स करे थे, पहला रूपकार और दूसरा जो करा था मैंने उपगुप्त का करा था, तो इससे पहले मैंने थिएटर नहीं करा है, ये मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर करा रोहित सर के साथ और मेरा फर्स्ट टाइम था, थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया, जो क्लासेस होती थी बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली एनवायरमेंट में होती थी, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। जिसकी माता को राजा बिंदुसार ने निष्कासित कर दिया था और यही हम देवी को देना चाहते हैं। किस जी मैडम, वो आ गई। कौन? हमारी संतानों की माता देवी। कहाँ? ये देखो, महामंत्री राधागुप्त का नमन स्वीकार करें। राजमुकुट भी कुमार अशोक के लिए है, मैं महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं आशीर्वाद देकर आपको राजा घोषित करे। महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? बस कुछ ही दिनों की बात है, कभी भी परलोक गमन कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ, कभी कभी प्राय लोग तंद्रा में पड़े रहते हैं। सुशीन कभी भी आ सकता है अशोक, पता चला है कि गांधार से चल पड़ा। हम